Hey guys, today I'm going to show you how we can download WWE 2K17 for your any Android devices. So let's get started. तो हे गाइस, आज के इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल गया होगा कौन सी गेम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हे गाइस, है WWE 2K17 आपके एंड्रॉइड डिवाइस के लिए। तो गाइस, ये गेम तो बहुत अच्छा है, मैं आपको पहले ही बता दूं। और ये आपको गेम मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 1 GB में। और एक बैड न्यूज़ भी आपके लिए कि मेरे से पहले भी एक चैनल होता था टेक्निकल गेम प्लेयर के नाम से, मगर वो यूट्यूब ने मेरा अकाउंट भी डिलीट कर दिया, साथ यूट्यूब चैनल भी। तो गाइस, आज से डेली इसी चैनल पे आपको गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। और पहला वीडियो डाला भी तो मैंने WWE 2K17 पर डाला, तो क्यों डाला वो आपको मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो अब यहाँ पे ग्राफिक्स आपको मैं दिखा दूंगा, इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस में कैसे प्ले कर सकते हैं WWE 2K17 को। तो मैं अभी तो सर्वाइवर सीरीज ले रहा हूँ, तो अब आगे सर्वाइवर सीरीज। तो गाइस, ग्राफिक्स तो इसके अच्छे, और मुझे किस गेम की बहुत अच्छी बात लगी है वो है ये कि अगर एंट्रेंस रॉक की हो रही है या गोल्डबर्ग की हो रही है, शायद कभी कभार पीछे से आके जो है रॉक को या गोल्डबर्ग को कोई मार देता है, या गोल्डबर्ग मार देता है रॉक को, या रॉक गोल्डबर्ग को मार देता है। ये मुझे गेम की बहुत अच्छी बात लगी है। और आई होप कि आज की इस वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइए तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल से नए तो सब्सक्राइब करो। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, स्किप ना करना वरना आपको WWE 2K17 की गेम की डिटेल समझ नहीं लगने वाली। और ग्राफिक्स की बात की जाए तो ग्राफिक्स नॉर्मल है, ये नहीं कह रहा कि रियल WWE 2K17 आपके एंड्रॉइड डिवाइस के लिए लेके आया हूँ, आपके लिए नॉर्मल ग्राफिक्स की लेके आया हूँ WWE 2K17। और गाइस, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो WWE 2K17 को अपने एंड्रॉइड डिवाइस में प्ले करना चाहते हैं। तो मैंने तो आपके लिए वीडियो बनाई, तो make sure you will enjoy this video. Let's get started. Gameplay देख लीजिए guys. तो अब मैं इसके अंदर आपको बेस्ट सेटिंग देने वाला हूँ आपके एंड्रॉयड डिवाइस के लिए। तो आप देख सकते हैं मेरी ज़रा भी लैग नहीं हो रही। अगर इससे भी फास्ट चलाना चाहते हैं तो वो भी होगी, मगर आपको समझ गेम की नहीं लगेगी कि आप क्या खेल रहे हैं क्या नहीं, तो वो ग्राफिक्स की वजह से तो आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। सेव डाटा भी लिंक दिया मैंने, सेव डाटा की लिंक, तो वो भी आप वहाँ से जाके ले सकते हैं सेव डाटा की लिंक। तो अगर आपको कंट्रोल समझ नहीं लगते तो वो भी मैं आपको दे दूँगा आपके एंड्रॉइड डिवाइस के लिए। तो इसके जितने भी कंट्रोल्स हैं वो बहुत ही स्मूथली रन कर रहे हैं आपके एंड्रॉइड डिवाइस। तो रॉक जो है हमारा है, और गाइस बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जब आप अपने डेस्कटॉप पे हैं तो आपको एक एप्लीकेशन चाहिए वेदर क्लियर नाम की, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और एक और है PPSCP, आप PPSCP गोल्ड भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास गोल्ड भी है, मेरे गोल्ड में आपको सिंपली रन करके दिखाऊंगा। तो सिंपली आपने जाना यहाँ से वेदर अचीवर में, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और अब सिंपली आपने जाना है यूसी डाउनलोड में। अगर आपने गूगल क्रोम से किया तो आप डाउनलोड्स में जाएंगे, अगर यूसी ब्राउजर से किया तो यूसी डाउनलोड। तो अब यहाँ पे आपको तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये पहली तीन ये मेन फाइल है, ये बाद में आई है, फिर भी मैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से आपने इसको 1.99 GB का इसको आपने डिलीट। अब यहाँ से पहले आपने क्या करना है, 1.31 GB वाला जो आपको फोल्डर नजर आ रहा है WWE 2K17 falcon arrow mode.rar, इसको टैप करना है और एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। थोड़ी देर में ये हो जाएगी, तब तक वीडियो को स्किप कर देता हूँ। तो
तो गाइस जब आपके ये हो जाए तो फिर आपने यहाँ पे देख सकते हैं WWE 2K17 PSP by falcon error.iso। अब अगर आप ये मोड वाले में भी जाए तो व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही फाइल है जो मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट की है। अब भी यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे आपने WWE 2K17 PSP सेव डाटा डॉट रहा है, इस पे आपने टैप करना है और व्यू पे करना है। व्यू पे करके बाद इस पे आपने लॉन्ग प्रेस करना है सेव डाटा पे और बैक करना है। और यहाँ से आपने सिंपली जाना है PSP के फोल्डर में। फर्स्ट टाइम अगर आप PPS PP को ओपन करेंगे उसके बाद साथ ही बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जाना है और यहाँ पे सेव डाटा में जाके पेस्ट करना है और अपलोड ऑल फाइल रिप्लेस। यहाँ से वहाँ जो यूट्यूब डाउनलोड में जाना है और यहाँ पे आपने जो PP.IN है या जो जिसे आपकी गेम लग नहीं होगी उसको आपने यहाँ से कट करना है। और यहाँ से आपने सिंपली जाना है PSP के फोल्डर में गेम और सिस्टम में यहाँ से पेस्ट करना है। तो ये जब हो जाए फिर आपने इन सारे टैब को क्लोज करके अपने PP को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद ये WWE 2K17 का लोगो नज़र आ रहा है आपको, इस पर टैप करना है और ऐसे आपकी गेम स्टार्ट हो जाएगी पूरे तरीके से। तो ऐसे थोड़ी मैं आपको बताता हूँ कि लैगनेस ना होने की वजह क्या है। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा फास्ट खेलना चाहते हैं जो जिसे आपको पता भी ना चले कि आपका आपका प्लेयर कहाँ पे है, तो फिर मैं वो भी आपको बता देता हूँ। उससे क्या होगा कि आपने जो भी लेना है वो आपसे लिया जाएगा। मैं अभी ऑलरेडी कुछ ले लेता हूँ और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी गेम बिना लैगनेस के चलेगी। आपने मेरे स्टेप फॉलो नहीं करने, जो जो आपने पहले टेस्ट करने कि ये आप में चल रहा है या कुछ ये चल रहा है तो आप वो लीजिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो मैं करूँगा आपने भी वही करना है। आपने अपने अपने फ्रेम स्किपिंग के अकॉर्डिंग करना है। तो अभी मेरा अब सेटिंग्स पे चलते हैं। अब मैं आप देख सकते हैं फ्रेम स्किपिंग 3 है। अब मैं अब इसको फ्रेम स्किपिंग को ऑफ कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मेरी गेम लैग होती है या नहीं होती। तो ऑब्वियसली लैग होगी हमारी गेम। और अगर मैं यहाँ पे फ्रेम स्किपिंग अगर 1, 2, या 3 करता हूँ तो उससे मेरी गेम ज़रा भी लैग नहीं होगी। अगर उससे भी फास्ट खेलना चाहते हैं तो आप 4, 5 तक कर सकते हैं फ्रेम स्किपिंग को। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको कहा था कि बिग शो जो है आया था, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं और हमारी गेम बहुत ज़्यादा ही लैगनेस हो रही है। अभी हमारे सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके बाद 1 पे करना है, 1 के बाद चेक करना है। यहाँ पे भी अभी भी लैगनेस हो रही है। अभी यहाँ पे गेम आना है और यहाँ पे 2 पे करना है। अभी फिर थोड़ी फास्ट चल रही है, अब यहाँ पे गेन आ रहा है, 3 पे कर देना है। 3 पे करेंगे तो आपकी उससे थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट चलेगी। उसके बाद आपने इसको 4 कर देना है तो आपकी कुछ ज़्यादा ही फास्ट चल जाएगी। तो आप देख सकते हैं मेरी भी कितनी ज़्यादा फास्ट चल रही है। अगर हम 5 पे करते हैं तो फिर उससे कहीं ज़्यादा हमारी गेम फास्ट हो जाएगी, मगर आपको फिर भी थोड़ी लैगनेस दिखेगी क्योंकि फास्ट होती है गेम तो उसकी लैगनेस ज़रूर दिखती है। तो अब मैं 3 पे कर लेता हूँ सिंपली क्योंकि मेरी पहले भी ऑलरेडी 3 थी और यहाँ पे मैं आराम से अपनी गेम को इन्जॉय कर सकता हूँ। तो गई जी आपके गेम अच्छी है, आपके फलकोन जैरों ने बनाई है, बहुत से लोगों ने इस पर वीडियो भी बनाई है मगर वो अलग अलग होती है, उन पर वीडियो बनती है। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हूँ नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, कीप सपोर्टिंग मी, कीप स्माइलिंग एंड कीप प्लेइंग गेमिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।